दोस्तों आज आपका चहेता चैनल टेलीफ्लिक्स लेकर आया है आप सभी की चहेती अनुपमा की लाइफ और करियर की स्टोरी लेके। अरे नहीं नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सीरियल अनुपमा के किसी नए एपिसोड के बारे में नहीं बताएंगे कि नए एपिसोड में अनुपमा अपने करियर में क्या करने वाली है, बल्कि आपको अनुपमा का किरदार निभाने वाली अदाकारा रूपाली गांगुली के बारे में बताएंगे। रूपाली गांगुली फेमस डायरेक्टर अनिल गांगुली की बेटी है। टैलेंटेड पिता की बेटी भी हुनर के मामले में उनके जितनी ही टैलेंटेड है, और इसीलिए उन्होंने अपने टीवी करियर में जितने भी किरदार निभाए हैं वो सभी किरदार लोगों को अब तक याद है, और लोगों ने रूपाली के अभिनय को दिल खोल के प्यार दिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनका शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई के किरदार की पॉपुलैरिटी। 5 अप्रैल 1977 में कोलकाता में जन्मी रूपाली ने यूं तो अपनी ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट में की, लेकिन साथ ही साथ एक्टिंग के लगाव को भी थिएटर ज्वाइन करके जारी रखा। रूपाली ने 7 इयर्स की उम्र में ही फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। ईयर 1985 में आई फिल्म साहिब में रूपाली ने बतौर बाल कलाकार के रूप में पहली बार काम किया। इस फिल्म में अनिल कपूर, अमृता सिंह, राखी और उत्पल दत्त मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद उन्होंने ईयर 1987 में आई फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन में बाल कलाकार की भूमिका निभाई। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता अनिल गांगुली ने ही किया था। इसके बाद रूपाली हिंदी फिल्मों में बतौर हीरोइन के तौर पे भी उन्होंने अपनी नई पारी शुरू की। ईयर 1997 में फिल्म अंगारा और दो आंखें 12 हाथ में नजर आईं, मगर इन दोनों ही फिल्मों में रूपाली को कोई सफलता नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने टीवी की दुनिया की तरफ अपना कदम रखा और ईयर 2000 में सीरियल सुकन्या से अपना डेब्यू किया। इसके बाद रूपाली ने कई शोज किए जैसे परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी, आपकी अंतरा, एक पैकेट उम्मीद, संजीवनी, लेकिन सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मोनिशा सारा भाई की भूमिका ने रूपाली को घर घर में फेमस कर दिया। इसके अलावा रूपाली कई रियलिटी शोज में भी काम कर चुकी हैं, जैसे बिग बॉस 1, खतरों के खिलाड़ी, किचन चैंपियन, मीठी छुरी नंबर 1। ये 2011 में रूपाली एक बार फिर से फिल्मी पर्दे पर नजर आई, फिल्म थी सतरंगी पैराशूट। ये 2013 में रूपाली गांगुली अश्विन के वर्मा को अपना दिल दे बैठी और उसी साल उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद रूपाली ने काम से कुछ सालों के लिए ब्रेक लिया और ईयर 2015 में वो एक बेहद क्यूट से बेटे की माँ बनी। 8 साल बाद रूपाली ने एक बार फिर से टीवी सीरियल अनुपमा के जरिए अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, और आते ही उनकी किस्मत ने उन्हें रातों रात घर घर की फेवरेट बहू बना दिया। सीरियल अनुपमा में रूपाली एक हाउसवाइफ का रोल निभा रही है और अपने सभी रिश्तों को बेहद प्यार और ईमानदारी से निभा रही हैं। वहीं अपने पति के जरिए मिले धोखे के बाद उन्हें पूरे आत्मसम्मान से नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा मिली। अनुपमा का किरदार इतना दमदार है कि इस किरदार को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, और इसी वजह से जब ये शो टीवी पे शुरू हुआ तब से लेकर अब तक ये लगातार टीआरपी की रेस में नंबर 1 पे बना हुआ है। भाई ये तो बात रही रूपाली की टीवी पे पसंदीदा किरदार निभाने की, असल जिंदगी में भी रूपाली सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं और इसीलिए उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बहुत है। आए दिन रूपाली इंस्टाग्राम पे भी अपने पति अश्विन के वर्मा के साथ तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। रूपाली सीरियल में कमबैक का क्रेडिट अपने पति को ही देती हैं। रूपाली के मुताबिक वो असल जिंदगी में माँ की भूमिका निभा कर बहुत खुश थी, लेकिन जब उन्हें शो का ऑफर मिला तो अश्विन के वर्मा जो कि उनके पति हैं, उन्होंने उन्हें खूब सपोर्ट किया और कहा कि अब घर और बेटे संभालने की जिम्मेदारी उनकी है। भाई वाह अश्विन, अगर आप जैसी सोच हर आदमी की हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब रूपाली की ही तरह हर महिला अपने कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाएगी। दोस्तों ये तो बात रही रूपाली के करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में, अब एक नजर उनकी लाइफस्टाइल पे भी डाल देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रूपाली सीरियल अनुपमा के लिए पर एपिसोड के लिए मीडिया रिपोर्ट के माने तो 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। रूपाली को स्विमिंग और ट्रेवल करना बहुत पसंद है। रूपाली के पास BMW X1 कार है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख के आसपास है। रूपाली का मुंबई में खुद का एक प्यारा सा घर है। तो दोस्तों ये थी आप सभी की प्यारी और चहेती अनुपमा यानी रूपाली गांगुली के करियर, निजी जिंदगी के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल की स्टोरी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा,
और अगर आप नए दर्शक हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए टेलीफ्लिक्स।